हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो ट्रिपल तलाक है। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे कि तीन तलाक पर पाबंदी क्या धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। एक वीवीआई टॉपिक है आपके लिए, जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ से क्वेश्चन या तो आपसे वन लाइनर में आए, या फिर स्टेटमेंट में आए, या फिर एसे का टॉपिक है, इसे क्वेश्चन एकदम कन्फर्म होगा। तो इसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम लोग लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। इसमें 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं होगी। और जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, वैसे डाउनलोड करते रहे, और क्विजेज आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उसमें आप भाग लीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम लोग पूरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आएंगे इसके ट्रिपल तलाक के, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए। अगर एक टॉपिक को हम लोग देखें तो इसको वर्ड, इसको सेंटेंस में लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो तीन तलाक के बारे में थोड़ा सा हम लोग अगर जाने, तो तीन तलाक को तलाक विदत बोला जाता है, ठीक है। मुस्लिम भाषा में इसे तलाक विदत बोला जाता है। और तीन तलाक जो होता है वो मुस्लिम समाज में तलाक की एक प्रक्रिया होती है। जैसे हम लोगों में अगर हिंदू लॉ बोर्ड की तरफ से जाइएगा तो ट्रिपल तलाक आपको कानूनी तौर से करना पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से या मुस्लिम का जो लॉ होता है उसके हिसाब से तलाक के लिए आपको केवल तलाक 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 3 बार करना होता था, उसके हिसाब से तलाक हो जाता था। और ये स्थिर तलाक होता था, इसके बाद फिर जो है वो शादी के रिश्ते टूट जाते थे। गलती से भी तलाक 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 कहने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा होने के बाद जो है वो रिश्ते खत्म हो जाते थे। तो इस कंडीशन में होता क्या था कि एक प्रक्रिया थी जिसमें कोई भी पति अपने पत्नी को सिर्फ 3 बार तलाक बोलता था और उसकी शादी टूट जाती थी, ठीक है। और ये एक प्रक्रिया है मुसलमानों में जो है वो शादी को तोड़ने की, बनिस्पत हिंदू के, हिंदू लोग में अगर शादी को तोड़ना हो तो इसके लिए आपको जो है कोर्ट में जाकर के ही उसके लिए प्रोसीजर करना होगा, ये रूल है। बाकी अगर हम लोग आएंगे इसके मिडिल वाले पॉइंट में, तो आज हम इसको इस तरीके से बनाए हैं इस पूरे सेशन को कि आप इसमें आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं, आप इसमें रिपोर्ट राइटिंग भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने वो सारे टॉपिक को ही कवर कर दिया है जो हर एक चीज के लिए आपके इम्पोर्टेंट होगा। तो रिसेंटली हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने, रामनाथ कोविंद ने इस संस्करण की जो विधेयक था इसके ऊपर जो है अपना मंजूरी दे दिया 2019 के ऊपर, जिसमें तीन तलाक जो विधेयक है वो अस्तित्व में आ चुका है। अब क्या होगा कि तीन तलाक विधेयक जो है ना वो अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 साल की कैद का प्रावधान किया गया हुआ है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट है जो यहाँ पे डालना जरूरी है। और अगर पूरे सिस्टम को अगर आप देखिएगा कि इस्लाम में जो है तीन तलाक कहीं कुरान में लिखा होगा तभी तो इसको मानते हैं लोग, या फिर ये हदीस में होगा तभी मानते हैं, लेकिन पूरे आप अगर सिस्टम को देखें मुस्लिम लोगों के, तो ना ही तो ट्रिपल तलाक का उल्लेख कुरान में किया गया हुआ है, ना ही हदीस में। इस कारण से ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम इस्लाम का जो है वो मूल भाग नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना जजमेंट दिया कि ये औरतों के साथ एक अन्याय है और इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। बाकी केस बहुत पुराने थे साहबानों का, जो बहुत ही फेमस था उस वक्त के लिए। 1986 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया हुआ था और साहबानों के पति को 1978 में जो है, जो 1978 में तलाक दिए हुए थे, और 1986 में एक जो फैसला आया हुआ था कि उनको साहबानों के जो बच्चे हैं 62 वर्ष, ये साहबानों जो थे उनको गुजारे के लिए भत्ता देना चाहिए, तो उनको भत्ता नहीं मिल पा रहा था। उनका जो मोहम्मद जो इसका हस्बैंड था, उन्होंने भत्ता नहीं दिया इसको, तो इस कारण से बहुत फेमस रहा हुआ था साहबानों का केस। और वो केस जो है वो ट्रिपल तलाक में आकर के एक बहुत अहम भूमिका निभाई हुई थी। और उसमें हुआ क्या था कि जुर्माने के लिए जो पैसे देने की बात कही गई हुई थी, वो पैसा उनको केस जीतने के बाद भी नहीं मिला था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानने चाहिए ये इस एरिया में, क्योंकि ये जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करता है ये इसमें थोड़े से आपको नॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी कभी पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी कभी आपसे जो है वो आपका पेपर 2 में अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये फैक्ट अगर डालिएगा तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो साहबानों के केस का उल्लेख आप इसमें कर सकते हैं। बाकी मैंने हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर कर दिया है।
इससे इम्पोर्टेंट जो मैटर आया कि ये ट्रिपल तलाक जो बिल है, ट्रिपल तलाक जो एक नियम बना है, उसमें क्या क्या उल्लेख किया गया हुआ है, इसको अगर पूरा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबे होते हैं और फिर ये उबने वाली बात हो जाती है। तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया ही जाता है टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, स्टडी स्प्रिंग के नाम से होगा वहां पे आपको चैनल टेलीग्राम का, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके पढ़ने की जरूरत है जो आपके नॉलेज को बूस्टअप करेगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देखते हैं कि सरकार ने इस पे क्या पक्ष दिया है, ट्रिपल तलाक को क्यों लाया गया, ट्रिपल तलाक अधिनियम को क्यों लाया गया है। तो इसमें यह बोला गया कि ये सियासत, धर्म और संप्रदाय का तो मुद्दा है ही नहीं, पहली बात, ये नारी सम्मान के मुद्दा आता है और इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर मुस्लिम बेटियों के अधिकारों का संरक्षण इससे होगा तो इसमें जो है वो ज्यादा नारी सशक्तिकरण फिर से उभर करके आएगी। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के ऊपर अपना जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रखा था कि ये पूरी तरीके से कुप्रथा है, जैसे कि पहले विधवा विवाह नहीं, विधवा विवाह कुप्रथा माना जाता था या फिर सती प्रथा को, ये सारे उस वक्त के बहुत गंदे कुप्रथा थे, उसी का को कंटिन्यू किया जा रहा है तीन तलाक को आज तक 21st सेंचुरी में भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना जजमेंट दिया और तीन तलाक को प्रतिबंध किया, इम्पोर्टेंट है ये। और तीन तलाक जो है वो सामाजिक बुराइयों में से एक था जो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाता था, मुस्लिम में, हिंदू में नहीं, ठीक है। तो ये सारे चीज थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा और लास्ट में गवर्नमेंट के पक्ष मजबूत थे, ट्रिपल तलाक को पास किया गया और फिर ये अपना एक लॉ बन करके आया हमारे संविधान के लिए। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट समय था हमारे लोगों के लिए, एक मेमोरेबल जो है टाइमिंग था जिस वक्त ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। अभी कॉमन सिविल कोड के ऊपर चर्चा चल रही है कि क्या इसको लागू किया जाए या नहीं किया जाए, ये दूर की बात है, लेकिन ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खत्म करने के बाद विपक्ष ने भी अपना बहुत सारा तर्क दिया है इस पे, और उस वक्त का तर्क जो था वो सुप्रीम कोर्ट में इम्पोर्टेंट था और आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जब आप आर्गूमेंट लिखेंगे या फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे उस वक्त के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें जो बिल पास किया गया उसमें बोला गया कि भाई साहब हम 3 साल आपको सजा दे देंगे, तो जब 3 साल आप सजा ही दे दीजिएगा तो बच्चों को गुजारे के लिए पैसा कौन देगा, ये इम्पोर्टेंट बात आ जाता है। बाकी अगर देखें तो इस्लाम में शादी के लिए एक दीवानी समझौता बताया जाता है जो इसका जो तलाक का मतलब इस करार को समाप्त करना है और इस कानून के तहत तलाक का अपराधीकरण किया जा रहा है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मुस्लिम के हिसाब से कहा गया हुआ है यहाँ पर, जिसको आप अगर चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, आपको जानने जरूरी है। और बाकी जो भी मैटर यहाँ पे दिया गया हुआ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप पीडीएफ से डाउनलोड करके और इसका नोटबुक तैयार कीजिए आप एसे रिपोर्ट राइटिंग वाले का। अब जो भी मैं टॉपिक लेकर के आऊँगा उससे आपको आपके 2-3 चीज़ कवर होंगे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गूमेंट, एसे सारे कवर होने वाले हैं। तो इसलिए नोटबुक में जो प्रीवियस आपके टॉपिक दिए गए होंगे उसको देख करके और उसका नोटबुक तैयार कीजिए। लास्ट अगर कंक्लूजन के ऊपर हम लोग आएंगे तो ये दुर्भाग्य का समय था कि जो मुस्लिम के धर्म गुरु हैं, जो उनके धर्म से रिलेटेड है, जैसे हिंदुओं में साधु महात्मा होते हैं उसी तरीके से उनमें मौलवी होते हैं, उन्होंने उनके जो धर्म गुरु है वो समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नहीं बल्कि समर्थन में थे, ठीक है। इस तरीके के रवैया जो है वो एक तरीके से बोला जाए तो तलाक एक दंडनीय अपराध है और उसमें उनकी जो उनका जो समर्थन था ये समझिए तो एक तरीके से बोले तो आप इस तरीके के अपराध को बढ़ावा देने में उनका बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था, ठीक है। अब लोगों का माइंड वॉश किया जाना ये उनके तरफ से किया जाता था, शायद उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए अगर इस तरीके की बात हो तो, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आए तो, क्योंकि वो लोग जबरदस्ती इस तरीके के काम करवाते हैं जो गलत है मुस्लिम लोगों के लिए। और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य में तीन तलाक को जारी रहना विचारणीय प्रश्न था, क्योंकि आप धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोकतंत्र है, यहाँ पे औरतों के ऊपर जो अत्याचार होता था ट्रिपल तलाक के थ्रू काफी गलत होता था। कभी कभी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करते थे और इमीडिएट तलाक 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 करते थे, फिर वो लड़की ना तो हिंदू धर्म में रह पाती थी और ना ही मुस्लिम लोगों में रह पाती थी। तो ये इस तरीके के अत्याचार जो थे इसको बंद किया गया है अभी ट्रिपल तलाक के थ्रू, और औरतों को सम्मान मिलना स्टार्ट हो गया है और इससे जो सम्मान मिलेगा इससे सशक्त भारत बनेगा और महिला सशक्तिकरण के दौर में और ज्यादा तेजी आएगी। ये इसका हम लोग कंक्लूजन देंगे, इस पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो मैंने आपके सामने रख दिया, ये इसको आप लोग कवर कीजिएगा। ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोगों ने तीनों पार्ट को कवर कर लिया है, ऐसे रिपोर्ट राइटिंग और आर्गूमेंट वाले, हर एक में आप इसको डाल सकते हैं, यहाँ से आपको हर एक वो डाटाज अवेलेबल करवा दिए गए हुए हैं।
बट अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए 1000 सब्सक्राइबर के साथ ही लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे हम, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। साथ में फ्री प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाएंगे अगर 25 दिसंबर तक आपके जो है वो 1000 सब्सक्राइबर आपके शेयर करने से पूरा होता है। तो पीडीएफ डाउनलोड करते रहिए टेलीग्राम स्टडी स्प्रिंग चैनल से, और क्विज तो जैसे आप क्विज में पार्टिसिपेशन करते हैं करते रहिए। यह था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने कवर किया कि 3 तलाक पर पाबंदी क्या धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है या नहीं। लास्ट में कंक्लूजन आप अपने हिसाब से दीजिएगा कि क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है या नहीं। इसलिए मैंने आज इसका कंक्लूजन आपके ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि टॉपिक ये तीनों कवर करता है। तो ये था आज के वीडियो के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।